सुपरऑनिक चैनल में मैं सुपरऑनिक आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं घोस्ट डायमेंशंस के बारे में, जो हमें पोकेमॉन की सीरीज में बहुत बार दिखाई गई है। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। बात है ऐश के उस जमाने की, जब वो जनरेशन 4 में हुआ करता था। घोस्ट डायमेंशन हमें तब दिखाया गया था जब एंट्री कराई थी पोकेमॉन डस्कनोर की। अरे ठीक से बोलना, तेरी आवाज को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ ठीक से बात। ओके तो फिर मैं बात कर रहा था डस्कनोर की। डस्कनोर एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके सर के ऊपर एंटीना है, और उसे उसकी मदद से पता चलता है कि कोई भी स्पिरिट इंसानों की दुनिया में तो नहीं आ गया, जैसा कि आपने उस पोकेमॉन के एपिसोड में देखा ही होगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, उस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त एक जगह पर रुकते हैं जहां पर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हो रही होती है। उसी में से एक कॉम्पिटिशन होती है रात के समय में, और उस समय उन्हें जाना होता है एक मंदिर के यहाँ पर, और जो भी ग्रुप पहले मंदिर के यहाँ तक पहुँच जाएगा और मेडल ले लेगा वो जीत जाएगा। ऐश की और उसके दोस्त ग्रुप बना लेते हैं, और एक डॉन का एक दोस्त जिसको कोई भी पार्टनर नहीं मिलता, उसे एक छोटी लड़की अपने साथ पार्टनर बनाने के लिए बुलाती है। उसे लगता है कि वो उसकी पार्टनर बनना चाहती है, पर वो लड़की पहाड़ झाड़ियों में छुपी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही होती है। वो उसका पार्टनर बन जाता है, और कॉम्पिटिशन के वक्त जब लोगों को पता चलता है कि सब लोग चले गए पर गिनती में एक जन ज़्यादा होता है, जो होती है वो लड़की। वो लड़की डॉन के दोस्त को अपने पीछे पीछे ले जाती है, और डॉन का दोस्त भी चलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक डॉन की नज़र उस पर पड़ती है कि ये किसके साथ जा रहा है, और डॉन उसे देखती है तो वो अकेला ही जा रहा होता है, उसके सामने कोई नहीं होता, और अचानक से वो एक खाई से नीचे गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर डस्कनोर आकर उसे बचाता है, और डॉन और उसके दोस्त को लगता है कि ये सब कुछ डस्कनोर ने किया है, जबकि डस्कनोर ने तो उन्हें बचाया होता है। डस्कनोर को पहले ही पता चल जाता है अपने रेडियो वेव्स की वजह से कि कहाँ पर कोई स्पिरिट बाहर आई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब उसके बाद वो लड़की आगे बढ़ मियाउथ के ऊपर कब्जा करती है, और मियाउथ को घोस्ट वर्ल्ड में ले जाना चाहती है, और फिर तभी वापस एक बार डस्कनोर आकर मियाउथ की भी जान बचा लेता है। फिर आगे जाकर जब ऐश और उसका पार्टनर मंदिर के यहाँ पहुँच जाते हैं, तब वो दोनों भी मेडल लेने जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि डस्कनोर उसे परेशान कर रहा है। ऐश और उसका पार्टनर मिलकर डस्कनोर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो जानते नहीं होते कि ये लड़की ही एक घोस्ट है। वो लड़की एक स्पिरिट पोर्टल तैयार कर देती है, जिसकी मदद से वो ऐश और उसके पार्टनर को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाना चाहती है। तभी ऐश और उसका पार्टनर खींचा चला जाता है उस स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ, बट ऐश अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है, और डस्कनोर जिसे ऐश और उसके पार्टनर ने कमज़ोर कर दिया था वो उठकर उनकी जान बचाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि डस्कनोर हमारी मदद कर रहा है और ये लड़की ही भूत है। क्या आपको ऐश के उस पार्टनर का नाम पता है? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिए। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि घोस्ट वर्ल्ड से स्पिरिट्स बाहर आते हैं और इंसानों को आकर ले जाते हैं। वैसे ही वो लड़की बहुत सारे पोकेमॉन्स को तक अंदर ले जा रही थी स्पिरिट पोर्टल के, पर क्यों? क्या स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसा कुछ हो रहा है जो रियल वर्ल्ड के लोगों के बिना नहीं हो सकता? कौन थी वो लड़की? वो क्यों आई थी हमारे वर्ल्ड में? ये सब सवाल उस एपिसोड के साथ ही बंद हो गए, पर उस एपिसोड के एंड में ये दिखाया गया था कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये कंपटीशन रखवाई थी, उन्होंने बताया कि हाल ही में डिग करते हुए उन्हें एक गड्ढा मिला था, एक केव मिली थी। उस केव के अंदर से स्पिरिट वर्ल्ड का रास्ता खुलता है, ऐसा वहाँ पर
लिखा हुआ था पर किसी को पता नहीं था कि वो सच में है कि नहीं, और आज वो प्रूव हो गया। अब मेरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों के पास फिजिकल बॉडीज नहीं होती, इसलिए वो यहाँ आकर जो भी जीवित चीज़ है उसे अपने स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है ताकि उसकी बॉडी पर कब्जा कर वो वहाँ पर जो करना चाहते हैं वो कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये घोस्ट या फिर स्पिरिट वर्ल्ड ज़रूर ही आगे जाकर पोकेमॉन में दिखाया जाएगा, जिसमें ऐश और उसके दोस्त इस घोस्ट वर्ल्ड में जाएंगे, जिनमें उन्हें बहुत बार ले जाया जाना चाहते थे घोस्ट, और ज़रूर वहाँ का भी कोई राज होगा जो वो हर बार हर ऐश की सीरीज़ में दिखाते हैं कि एक बार तो ऐश घोस्ट वर्ल्ड में जाने जाने से बच जाता है, बट एक बार ऐसा ज़रूर आएगा जब ऐश भी घोस्ट वर्ल्ड में जाएगा और तब हमें क्लियर होगा कि घोस्ट वर्ल्ड ऐसा करना क्या चाहता है जो हर इंसान को मारकर करना पड़ रहा है। पोकेमॉन डायमेंशन सीरीज में हम पार्ट टू में आपको अलग अलग डायमेंशंस के बारे में और भी बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।